हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जेंट्स टोपी या लेडीज़ टोपी आप बना सकते हैं। जेंट्स टोपी अगर बनाइएगा तो जेंट्स कलर के ऊन का यूज़ कीजिएगा। ये मैंने लेडीज़ कैप बनाया है और मेरे पास थ्रेड इसी कलर का था वूल, तो मैंने येलो कलर का यूज़ किया है। 70 ग्राम येलो कलर लगा है और ये हमारा 20 ग्राम लगा हुआ है। टोटल 90 ग्राम ये कैप बनकर तैयार हुई। फुल कैप लेडीज़ कैप है और आप जेंट्स को भी पहना सकते हैं, पर जेंट्स के लिए इसे 130 या 35 स्टिचेस आपको नीचे की तरफ डालने होंगे। लेडीज़ कैप है इसलिए हमने इसमें 120 डाला है और इसके लिए मैंने 6 लूप बनाया है। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 33 चेन मैंने बना ली है और अब हम फर्स्ट चेन में डालेंगे और इसे स्लिप स्टिच के द्वारा ऐसे हम देखिए लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम एक चेन लेंगे और हर चेन के अंदर हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनानी है, यानी 33 होगा एक चेन को मिक्स करके और 32 हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 1 चेन को भी सिंगल क्रोशिया गिना जाएगा। इस तरह से करते हुए पूरा रो हम कंप्लीट कर ले रहे हैं, तब फिर आपको सेकंड रो बनाना बताएंगे। इसकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए इसके फर्स्ट चेन में हम यहाँ से फर्स्ट चेन में डालेंगे, क्योंकि 1 चेन हमने डाला था। इस तरह से स्लिप स्टिच करके हम इसे जोड़ देंगे। उसके बाद देखिए 1 2 3 एक हो गया और हमें पफ बनाना है, इसलिए इसमें फर्स्ट वाले में हमें 2 टाइम्स डालना है। तो एक 3 चेन हम देखेंगे और दूसरा हम इसमें एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हमने एक बार लूप लिया और दूसरी बार भी लूप लेंगे और इस तरह से हम पफ बनाएंगे। फिर हम हर चेन में इस तरह से 2 बार क्रोशिया डाल के और पफ स्टिच बना लेंगे। ये हो गया, एक बार हमने किया लूप लिया, फिर दूसरी बार लिया, चाहें तो 2 बार ऐसे किया हमने फिर ऐसे कर लिया, या आप चाहें तो एक बार में ही निकाल सकते हैं। ये हो गया, फिर हो गया। इस तरह से पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे और जब ये कंप्लीट कर लें तो आपको थर्ड रो बनाना बताएं। देखिए ये 33 पूरा हमने काउंट कर लिया, तो ये टोटल 33 ही हुए हैं पफ। और ये हमने इसकी थर्ड चेन में डाल के स्लिप स्टिच के द्वारा ज्वाइंट कर लिया। ये यहाँ अब फिर हमें उसी तरह से 1 2 3 चेन और एक बार क्रोशिया बनाना है। इसे हम एक पफ गिनेंगे। पहली बार हमें जब इसमें से निकालना है तो एक ही बार में इसे करके पफ बना लेना है। फिर हम एक चेन डाल दिए हैं और अब दोबारा हमें फिर एक बार ऐसे निकालना है और फिर 2 बार हो गए। 2 बार होके हम ये पफ बना दिए। फिर हमने एक चेन बनाया। हमेशा आपको एक बार पफ बनाना है और एक चेन बनाना है थर्ड रो में। ये पफ बन गया, फिर एक चेन हम लेंगे और उसके बाद फिर हम एक पफ बनाएंगे। सेम इसी तरह आपको करना है। ऐसा करते हुए हम थर्ड रो अपनी कंप्लीट करेंगे। थर्ड रो कंप्लीट हो गई। देखिए इसके जो आपके पफ हैं उन्हें आपको गिन लेना होगा। मैंने गिना था 33 है, क्योंकि पफ की संख्या वही है, सिर्फ बीच में गैपिंग में चेन बना हुआ है। अब देखिए हम एक चेन बना लेंगे। एक चेन मैंने बनाया और हमें यहाँ पे एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये यहाँ एक चेन हमने बनाया है, तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है बीच का, यहाँ यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है और उसके बाद फिर ये चेन, एक चेन की गैपिंग में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक जो हमने पफ बनाया है, फिर हम एक चेन वाली गैपिंग में बनाएंगे और एक पफ में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें पूरी 66 सिंगल क्रोशिया तैयार करनी है बना के, तो हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। इसी तरह फिर से हम अलग से 33 चेन डाल लेंगे। ये देखिए, सॉरी मैंने यहाँ 2 बनाया था, 2 नहीं 1 चेन, और तब आपको फिर बताएंगे। चेन में इस तरह से इंसर्ट करेंगे और ये मैंने एक स्लिप स्टिच बनाई। उसके बाद एक चेन बना के थ्रेड को कट करेंगे। थ्रेड थोड़ा बड़ा काटिएगा
ताकि इसे हम सुई या किसी भी चीज़ से सिक्योर कर सकें। यहाँ हम पीछे की तरफ चाहे तो सुई से इसे सिक्योर करें या तो क्रोशे की सहायता से। इस तरह से हम यहाँ भी इस तरह से लूप बना लेंगे और यहाँ हम टक करके कट कर देंगे। फिर मैंने 33 चेन बना ली है। ये जैसे पहले 33 हमने बनाया था सेम इसी तरह हमें बनाना है। और ये मैंने लिया है और इसके यहाँ से फर्स्ट वाले में से ये लूप हम इस तरह से यहाँ से स्लिप स्टिच के द्वारा निकाल ले रहे हैं। यहाँ मैंने निकाल लिया। अब हमें ये एक चेन लेना है। इसके बाद इस थ्रेड को कट नहीं करना है। यहाँ हमें इस वाले थ्रेड को पकड़ते हुए एक से दो बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये थ्रेड जो है हम इसी के अंदर सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हो गया। उसके बाद फिर हम दो बार कर चुके हैं, थ्रेड को पीछे करेंगे ताकि हम बाद में काट सकें इसे। और हर चेन में हमें सेम उसी तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हमें सेकेंड रो जो है पफ की बनानी है और थर्ड रो जैसे मैंने ये पफ बनाया था और चेन बनाया था सेम उसी तरह कंप्लीट करनी है। और फोर्थ रो जो हमने दो सिंगल क्रोशिया बनाई थी एक चेन वाले पोर्शन में और दूसरी जो डबल क्रोशिया के ऊपर है सेम उसी तरह करते हुए हमें इन लूप को इंसर्ट करके इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। इसमें जितनी ज़रूरत होगी उतनी बार हमें इसी तरह चेन बना के फुल डिज़ाइन बनाना है, यानी लूप के अंदर इंसर्ट करना है और इस तरह से इसकी पूरी डिज़ाइन को कम्प्लीट करना है। सेकेंड रो हमने देखिए कंप्लीट कर दी। इस फिर हम इसकी थर्ड चेन में डालेंगे, यानी जो फर्स्ट लूप है इसका इसमें डाल के हम दो थर्ड चेन का ये हमने वर्क किया। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन हमने लिया और एक डबल क्रोशिया हमें यहाँ बनानी है। टोटल हमेशा 33 होगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये देखिए मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद एक चेन हम डालेंगे, फिर हम इस वाले में ये जो इसके पास वाली है यहाँ हम उसी तरह पफ बनाएंगे। पर हमें ये देखिए हमने पफ इस तरह से बना लिया। इसके बाद एक चेन बनाएंगे, फिर पफ बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, पफ बनाएंगे। तो हमारे टोटल 33 पफ होंगे और 33 चेन्स होंगे। आप चाहें तो पहले अगर बिगनर्स हैं तो इसे काउंट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप रेगुलर क्रोशिया बनाती हैं तो आपको पता होगा कि ये जो ये चेन है इसमें नहीं डालते हैं हम, एक डाल देंगे तो ये टोटल 34 हो जाएगा। इसलिए हम इसे स्किप करके बाकी में सब में डालते हुए पूरा बना लेंगे। इसे हम बनाएंगे। इसके बाद हम फोर्थ रो जो बनाएंगे तो जैसे हमने इसकी बाहरी पोर्शन में बनाया है एक चेन, जो एक चेन वाली गैपिंग है उसमें सिंगल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया के ऊपर ये लाइन बनाकर हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह से जितने लूप बनाने होंगे 33 चेन बना के हम इस तरह से बनाकर एक दूसरे में फंसा कर तब आपको फिर बताते हैं। मैंने 5 रिंग बनाई, 1 2 3 4 5, 5 बन गए। अब इन्हें हम एकदम सीधा कर देंगे, यानी राइट साइड से इन्हें कर दे रहे हैं पूरी तरह से। जब ये राइट हो जाएंगे तब हम देखिए इन्हें इस तरह से राउंड करेंगे। ये हो गए हमारे, सबको सीधा कर लेना है। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है बाद में हम कट करेंगे और ध्यान रखेंगे कि सारे हमारे जो हो ये राइट हो। ये देखिए रॉन्ग साइड हो गया, इसे हम फिर से टर्न करके राइट कर देंगे। राइट करने के बाद हमने 33 चेन की ये देखिए एक लॉन्ग बनाया है और इसे हम इस तरह से इन दोनों के, आप ध्यान रखिएगा कि हर जो हमारे राउंड वाले शेप होंगे वो सारे राइट साइड से हों। ये दोनों को मैंने लिया। यहाँ लूप के अंदर हम क्रोशिया डालेंगे। क्रोशिया मैंने 6 नंबर की ली है और ये देखिए यहाँ से हम इस चेन के अंदर डालते हुए ये फर्स्ट चेन में डाल लेंगे और इसे हम देखिए इस तरह से लेंगे और उसके बाद यहाँ से स्लिप स्टिच बनाते हुए इन दोनों को टाई अप करेंगे। टाई अप करने के बाद अब हमें ध्यान रखना है कि 1 चेन ले लिया और हर जो चेन है उसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। जैसे बाकियों में मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि दो लूप में अटैच करना है क्योंकि 6 के बाद हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और सारे चेन के अंदर ये जो 32 चेन है और एक मैंने सिंगल चेन लिया, इन सब के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करनी है। और उसके बाद सेम वही डिज़ाइन बनाना है पफ स्टिच पूरे 33 में और थर्ड रो में एक पफ स्टिच एक चेन बनाते हुए कंप्लीट करना है और फोर्थ रो में हमें एक गैप में एक चेन बनाना है और एक सॉरी चेन नहीं सिंगल क्रोशिया और एक जो सिंगल डबल क्रोशिया है उसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, यानी दो सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो टोटल हमें
66 सिंगल क्रोशिया बनाकर फोर्थ रो को कंप्लीट करना है। फोर्थ रो हम कंप्लीट कर दे रहे हैं, फिर बता रहे हैं इसे हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके इक्वली सिलना है। देखिए इस तरह से हमने सेट किया है ताकि बहुत खूबसूरती से सिला जाए, इसमें कोई खराबी ना दिखे। आप जब जोड़िए तो दोनों चेन साइड से करते हुए जितनी ज़रूरत हो उतना ही हम सिलेंगे, हर चेन में डालेंगे और इस तरह से टाके लगाएंगे। स्मूथली बहुत ही साफ लगना चाहिए ताकि ज्वाइंट आपके खराब ना लगें, जहाँ ज़रूरत हो वहीं ज्वाइंट कीजिए। देखिए ये हमने इस तरह से जोड़ा, अब हमें लग रहा है कि थर्ड वाला जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ जोड़ लेना चाहिए, तो हम इस तरह से इस वाले में टाँके लगाएंगे और फिर ऊपर की तरफ निकाल कर फिर हम टाँके को नीचे ले जाएंगे और यहाँ इस तरह से कर लेंगे। ये वाला जो साइड का पोर्शन है वो तो हम फंदे में उठा लेंगे हमेशा, आप दोनों फंदों को ध्यान रखिएगा, ये ऊपर और नीचे वाला इसके बीच में क्रोशिया डाल के निकाल लीजिए। इसे भी सेम उसी तरह से हम देखिए यहाँ ज्वाइंट कर चुके हैं, अब हम यहाँ ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से हमें सारे पोर्शंस ज्वाइंट कर लेने हैं, जहाँ ज्वाइंट देखे वहाँ ये पोर्शन भी हमें ज्वाइंट करना होगा, ये भी करना होगा, ये मैंने कर लिया। इस तरह से सारे पोर्शन ज्वाइंट करके इस तरह सा खूबसूरत सा हमें उस सर के ऊपर का पोर्शन बना लेना है, उसके बाद फिर मैं क्रोशिए से सारा फंदा उठा लूँगी। अब हम लूप बना लेंगे, देखिए इस तरह से हम लूप बनाएंगे और अपनी क्रोशिए के अंदर डालेंगे और लूप को इस तरह से खींच लेंगे। इसके बाद हमें हर कॉर्नर पे देखिए ये वाला जो दो ओपन कॉर्नर है यहाँ पे हम क्रोशिया डाल रहे हैं और यहाँ से ऐसे करना है और हमें हर समय लूप लेना है, यानी इस तरह से क्रोशिए को हम निकाल लेंगे। पहली बार आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि दो में से आपको निकालना है, ये दो है, इसके बाद हमने ये देखिए लूप लिया है। थ्रेड आप बाद में काट लीजिएगा एक्स्ट्रा थ्रेड, या देखिए इस तरह से हम लेंगे, फिर हम एक दो और तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद आपको ध्यान रखना है, ये देखिए ये एक्स्ट्रा थ्रेड है, इसे हम इस तरह से करेंगे और इसी पोर्शन को हम एक यहाँ से जो हमें चेन दिख रहा है उस पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे और ये जो थ्रेड है इसे मैंने खींच लिया है, इसे हम इनके डबल क्रोशिया के अंदर दो बार सिक्योर कर लेंगे, दो से तीन बार इसे भी कर लेंगे जो अभी हमने ज्वाइंट किया है, जिससे हमारा जो थ्रेड है सिक्योर हो जाएगा और इसमें रेगुलर हमें जितने चेन दिखाई दें उतने हमें लूप ले लेना है, यानी लूप को लेते हुए बुनते हुए डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है। पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद गिनेंगे कि कितना हमारे पास डबल क्रोशिया है। पहला राउंड हमने देखिए जितने हमारे चेन थे ऊपर की तरफ यानी डबल क्रोशिया उतना मैंने इसके निकाल लिया और अब हम साइड से इस तरह से थर्ड नंबर चेन में इंसर्ट करेंगे और एक ये बना लिया लूप। इसके बाद हम इसमें 10 डबल क्रोशिया के बाद ये देखिए एक स्किप करेंगे और यहाँ से 10 के बाद हम एक में दो बनाएंगे। पहले देखिए मैं एक बना ली हूँ और दूसरी बार दूसरा बना दूंगी। अब हम 10 लूप पूरा प्लेन बनाएंगे, 1 2, इसी तरह से हम 10 बना के 11 नंबर पे दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 10वीं देखिए डबल क्रोशिया हमने बना लिया, 10 डबल क्रोशिया के बाद 11 वाले में देखिए हम 1 और 2 टाइम बनाएंगे, फिर 10 डबल क्रोशिया सिंपल बनाएंगे, फिर दो बढ़ाएंगे। 120 लूप ये कंप्लीट हुआ, फिर देखिए हम इसमें 1 2 और 3 चेन डालेंगे। 3 चेन डालने के बाद हमें इस तरह से बैक लूप बनाना है 15 और उसके बाद बैक लूप जैसे हम ये देखिए ये बनाए, फिर हम दूसरा बैक लूप के लिए आपको पीछे से ले जाना है, उसके बाद हम 5 अपने फ्रंट लूप। ये देखिए 1 हम 3 चेन वाले को भी गिनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये 15 मैंने बना लिया। 6 हमें बनाना है तो हम 15 जब बना चुके, ये हमने इस तरह से 15 बना लिया। अब हम 5 इसमें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 2, फ्रंट में हमें क्रोशिए को फ्रंट में निकालना है, 3 और 4, यहाँ 4 देन 5, ये पूरे 5 हमने बना लिए। इसके बाद 5 फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद हम बैक साइड से फिर
15 बैक पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह करते हुए हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है, यानी 15 बैक पोस्ट और 5 फ्रंट पोस्ट। ऐसे ही हमें रेगुलर करना है, क्योंकि अब ना हमें फंदे बढ़ाने हैं ना हमें फंदे घटाने हैं, क्योंकि हमने जो बढ़ाना था 120 हमने कर लिया। अब हम इसी तरह से बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। बॉर्डर के बाद मैंने 15 रोज कंप्लीट कर ली है, और कंप्लीट करके ये थ्रेड हम काट देंगे। एक्स्ट्रा थोड़ा काटना होगा हमें ताकि इसके अंदर से लॉक कर सके। उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगी यहाँ से। देखिए, एक हम लूप बनाएंगे और ये वाला पोर्शन लेंगे, ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये हो गया हमारा, यहाँ हम ये लॉक करेंगे, 1, 2 और 3 चेन। अब हमें बाकी पोर्शन, सारे पोर्शन को फ्रंट पोस्ट बनाना है, यानी जो 120 है उस पर कंप्लीट फ्रंट पोस्ट बनाते हुए इस कैप की बॉर्डर को कंप्लीट करना है। सब पे आपको फ्रंट पोस्ट बनाना है, जो बैक पोस्ट है उस पर भी फ्रंट पोस्ट, और जो फ्रंट पोस्ट है उस पर भी। आप जितनी चौड़ी बॉर्डर चाहिए उतना रो बनाकर इसे कंप्लीट कर दीजिए। मैं इस फ्रंट पोस्ट के रो को बनाकर कंप्लीट कर रही हूँ। इस कैप में हमने 5 रोज बॉर्डर का बना दिया था, 1, 2, 3, 4, 5, और उसके बाद 4 रोज मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया। आपको दिखाया नहीं था पर अब दिखा दे रही हूँ बनाना। सिंगल क्रोशिया बना देने से जो है हमारा बॉर्डर लूज नहीं होगा। आप जितनी रोज चाहें सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं। हम 3 से 4 रोज बना देंगे सिंगल क्रोशिया की, ताकि जो हमारा ये बॉर्डर है फ्रंट पोस्ट का लूज ना हो। देखिए, इसे मैंने बना लिया है। अब हम इस तरह से करेंगे, चेन निकाल लिए हैं और इन्हें कट करेंगे। एक खूबसूरत सी कैप बनकर तैयार है, बहुत ही सुंदर है। अगर आपको ये कैप पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्रिएशन के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।